हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में। हर एक को एक ब्यूटीफुल स्माइल चाहिए, राइट? बट अगर आपकी ब्यूटीफुल स्माइल नहीं है तो चिंता मत करिए। 80% ऑफ द पॉपुलेशन को ऐसा होता है कि मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, बट वो अच्छी स्माइल आप अचीव कर सकते हो। सो चलिए जानते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में क्या क्या होता है, वो कैसे होता है। अगर आपकी स्माइल आपको ऐसा लग रहा है अट्रैक्टिव नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके इस चीज़ को डिस्कस करिए। आप पहले ये सारे प्रॉब्लम्स जो आपके दिमाग में है वो उनको बताइए। आपको जो भी आपकी स्माइल में अच्छा नहीं लग रहा है वो डिस्कस करें, और आपकी फ़ाइनल स्माइल आपको कैसी चाहिए वो भी डिस्कस करें। इसके अलावा आपके पास कोई पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं तो आप डेंटिस्ट को दिखा सकते हो, जिससे वो डिटेक्ट कर सके कि आपको क्या आपकी स्माइल में फ्लॉ लग रहा है, तो ही वो आपको एक फ्लॉलेस स्माइल दे सकते हैं। उसके बाद अपने डेंटिस्ट को आप पूछिए कि आपके लिए क्या अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ लुक मैटर नहीं करता है। आपका जो हम लोग स्माइल क्रिएट करके देते हैं वो एक हार्मनी होता है कि आपके फंक्शंस में तो अच्छा रहता ही है, और लुक्स तो कॉम्प्लीमेंट्री अच्छे हो ही जाते हैं। सो आपके डेंटिस्ट आपको एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बना के देंगे। उसमें आप ये भी डिस्कस करें कि आपको एक हॉलीवुड स्पार्कलिंग स्माइल चाहिए कि आपको एक नेचुरल लुकिंग स्माइल चाहिए। विद द एडवांसमेंट ऑफ द डेंटिस्ट्री हम लोग आपका एक पूरा फुल माउथ का स्कैन कर सकते हैं। विद द डिजिटल स्माइल डिज़ाइन वी कैन एक्चुअली क्रिएट योर फाइनल स्माइल। वो फाइनल स्माइल आप अप्रूव करेंगे डेंटिस्ट को, फिर ही वो आपको अपने मुंह में रेप्लिकेट करके देंगे। विदाउट इवन टचिंग अ सिंगल टूथ आपका फाइनल स्माइल कैसा होगा वो आपके मुंह में हम लोग एक टेस्ट ड्राइव करके दिखाते हैं। उस टेस्ट ड्राइव में आप देखें कि आपका फाइनल स्माइल कैसा है। उसमें आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी चेंजेस करने हैं तो ऑन द स्पॉट डेंटिस्ट आपको कर सकते हैं। उसमें आपका फाइनल टूथ शेप, कलर, साइज़, एवरीथिंग कैन बी रेप्लिकेटेड। वो रेप्लिका अगर आपको एकदम अच्छा लगे देन ओनली यू स्विच ऑन टू योर फाइनल स्माइल। ये फाइनल स्माइल क्रिएट करने में नंबर ऑफ प्रोसीजर्स लग सकते हैं, जैसे कि अगर आपका टूथ कलर आपको चेंज करना है तो यू कैन गो फॉर टूथ वाइटनिंग। अगर आपको दांत का शेप चेंज करना है तो दांत के ऊपर कैप या विनियर कर सकते हैं। अगर आपका कोई दांत मिसिंग है जो स्माइल में दिख रहा है तो यू हैव टू रिप्लेस योर मिसिंग टीथ विद डेंटल इम्प्लांट, ब्रिज और रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। बट द पॉइंट इज यू हैव टू रिप्लेस योर मिसिंग टीथ। अगर आपके गम्स स्माइल में ज़्यादा दिख रहे तो हम लोग आपका गम कंटूरिंग कर सकते हैं। अगर आपका गम थोड़ा ऊपर नीचे है डेवलपमेंटली तो उसको हम लोग गम लाइन भी करेक्ट कर सकते हैं। स्माइल में सिर्फ टीथ इम्पॉर्टेंट नहीं है, गम्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। सो गम कंटूरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपका कोई ओल्ड फिलिंग है जो स्माइल लाइन में दिख रहा है तो आपका ओल्ड फिलिंग हम लोग रिप्लेस करते हैं। अगर आपका कोई दांत टूट गया है या फिर घिस गया है, उसका शेप अच्छा नहीं है, तो हम लोग आगे के दांत को कंटूर भी कर सकते हैं। आपके दांतों में अगर कोई स्टेन्स है तो हम लोग उसको क्लीनिंग करते हैं। अगर आपको पायर या ऐसा कुछ है तो गम ट्रीटमेंट करके फिर हम लोग ये आगे सारी प्रोसीजर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, योर स्माइल शुड बी अ हार्मनी कि आपका गम्स और टीथ हेल्दी होने चाहिए, सिर्फ लुक में नहीं फंक्शंस में भी। सो ये सारी चीज़ डेंटिस्ट आपका डिटेक्ट करेंगे, आपको पूरा कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद आपको ये चीज़ लाइफ टाइम मेंटेन भी करनी पड़ती है। आपका अगर हमने अभी एकदम ब्यूटीफुल स्माइल क्रिएट कर दिया और अगर आपकी ओरल हाइजीन आप अच्छी नहीं रखोगे तो ये जो क्रिएटेड रिजल्ट है वो बिगड़ सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम क्लीनिंग करवाना है, रेगुलर चेकअप्स, एक्सरे सब कुछ करवाना है। आपको अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको गम प्रॉब्लम है या फिर ब्लीडिंग गम्स भी हो रहे तो भी आपके डेंटिस्ट के पास जाके गम्स की भी केयर करनी चाहिए। सो जैसे कि मैंने बताया, यू हैव टू बी एन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपके कोई दांत आड़े तिरछे हैं तो उसको पहले हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ इरेगुलर टीथ है तो या तो विनियर्स कर सकते हैं, पर ऐसा है कि आपके दांत बहुत बाहर से है, बहुत इरेगुलर है, तो हम लोग उसमें पहले हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में या तो आप ब्रेसेस कर सकते हो या तो अलाइनर्स कर सकते हो। ब्रेसेस या अलाइनर से आपका पहले दांत का अलाइनमेंट करेक्ट करके फिर आपके दांत को एक नया लुक विनियर से या फिर कैप से या फिर सिर्फ कंपोजिट फिलिंग से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। सो यू डोंट हैव एनी मिथ कि मैं ये करवा दूंगा तो ये सही हो जाएगा, मेरे दांत वाइट नहीं है तो मैं वाइटनिंग करवाऊंगा तो सही हो जाएगा। नो, इट इज़ योर डेंटिस्ट, इट इज़ ही हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ योर टीथ। सो ही डेंटिस्ट का नाम डेंटिस्ट है। सो वो आपका पूरा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करेंगे एंड देन ही अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये लाइफ लाइन रिजल्ट आपको मिल सकता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज़ है तो आप हमें ज़रूर अप्रोच कर सकते हो। आप हमें वॉइस कॉल या वीडियो कॉल भी दे सकते हो ताकि आप हम आपको कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में गाइड्स कर सकते एंड आपको एक अच्छी स्माइल दे सकते हैं। योर स्माइल इज़ योर एसेट। अच्छी स्माइल कैरी करना आपका हक है। सो अगर आप अच्छे दिखोगे, अच्छी स्माइल दोगे तो यू विल सी द चेंज के पर्सनली और प्रोफेशनली लोग आपको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इसी वजह से इंडिकेटेड है। लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ही, पर्सनली जो उनको सेल्फ एस्टीम उनकी डाउन होती है उसकी वजह से ही कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री पे जाते हैं। सो अगर आप कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से आपकी स्माइल करेक्ट करेंगे तो यू विल बी मोर प्रेजेंटेबल पर्सनली एंड प्रोफेशनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।